अभिनेता शशि कपूर को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से निकालकर उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। इस एम्बुलेंस वैन में उनके पार्थिव को रखा गया है, साथ ही साथ कपूर परिवार के कुछ सदस्य भी इस एम्बुलेंस में सवार हैं। 10:30 बजे का वक्त है जब पार्थिव शरीर को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से निकाला गया और एम्बुलेंस में परिवार के करीबी सदस्य हैं, उनकी बेटी संजना, उनके बेटे करण और कुणाल यहाँ पर आए हुए हैं, साथ ही साथ परिवार के जो करीबी लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। अब पार्थिव शरीर को सांता क्रूज के हिंदू स्मशान भूमि ले जाया जाएगा जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए आप देखें तो मुंबई पुलिस किस प्रकार से गाड़ी को निर्देश दे रही है, साथ ही साथ रोड को खाली कराया गया है जिससे कि कोई आवाजाही में समस्या ना हो। सांता क्रूज में पार्थिव शरीर को स्मशान भूमि में जो पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, उनके बेटे शशि कपूर को मुखाग्नि देंगे। रविवार रात को शशि कपूर को भर्ती कराया गया था, उन्हें सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, सीने में तकलीफ थी, लेकिन सोमवार शाम 5:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और वो हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने जो फिल्मों में अदाकारी की है, अभिनय किया है, उसके जरिए वो अपने फैंस के बीच, अपने प्रशंसकों के बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। बॉलीवुड शोकाकुल है, मुंबई के लोग शोकाकुल है, साथ ही साथ कपूर परिवार को चाहने वाले लोग शोकाकुल हैं। हमारे बीच शशि कपूर नहीं रहे लेकिन उनकी यादें उनके फिल्मों के जरिए, उनके डायलॉग के जरिए हम सबके बीच हमेशा अमर रहेंगी। कैमरामैन अनिल के साथ संजय सिंह, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।